यहाँ पे वर्टिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वर्टिकल रेफ्रिजरेटर का फैब्रिकेशन हो रहा है, और ये बेसिकली आपका जो कैपिलरी ट्यूब है उस कैपिलरी ट्यूब को कनेक्ट किया जा रहा है जो आपका कंडेंसर से लाइन जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कंडेंसर वाली लाइन है, नीचे जो यहाँ से वो पकड़े हुए हैं कंडेंसर वाली लाइन है, और इसको आप ब्रेजिंग कर दिया जाएगा, है ना। जो आपका कॉपर की ट्यूब्स है इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब ये ब्रेजिंग परफॉर्म करेंगे, ये इसको टाइट कर दिया। इसके बाद ये ब्रेजिंग का टॉर्च आती है, ये छोटा सा आपका वो आता है 500 ml का, तो इसमें गैस आती है जिससे आप ब्रेजिंग परफॉर्म करते हैं। ब्रेजिंग के लिए टॉर्च रेडी है अब, और ये ब्रेजिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फ्लेम को सीटिवली एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने का, और ये कॉपर का ही फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं इस पर ब्रेजिंग परफॉर्म करने के लिए। ब्रेजिंग चल रहा है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे जो आपका कंडेंसर, कंडेंसर से नीचे जो लाइन निकलेगी उसको बेसिकली यहाँ पे जो ट्यूब है उसको कट किया जाएगा। कट करने के बाद यहाँ पे लाइन ज्वाइन की जाएगी जिससे आप कैपिलरी ट्यूब को ब्रीजिंग करेंगे। ये कट कर दिया है, कट करने के बाद यहाँ ये लाइन जोड़ देंगे। अभी इनिशियली क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे ब्रेजिंग तो देख ही रहे हैं, ये ब्रेजिंग किया जा रहा है इसको ज्वाइन करके, और आप देखोगे ये जो कैपिलरी ट्यूब वाली लाइन है और इस तरफ से कंडेंसर से जो लाइन आ रही है, हीटिंग कॉइल से जो लाइन आ रही है, उसको ज्वाइन नहीं किया गया है। बीच में बेसिकली यहाँ पर क्या लगाते हैं, फ़िल्टर और ड्रायर लगाते हैं, और फ़िल्टर और ड्रायर लगाने से पहले इसको इवैक्यूएट किया जाता है, पूरी लाइन को इवैक्यूएट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे। तो इवैक्यूएट करने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है और जो भी मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर देता है पूरी लाइन में से, क्योंकि मॉइस्चर इसमें जो रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो एडवाइजेबल नहीं होती है, और मॉइस्चर क्या करता है कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है, इवन जो ट्यूब होता है उसकी लाइफ को भी कम कर देती है मॉइस्चर। ये जॉइन हो गया है। अब इसके बाद ये ऊपर जो आपका कंटेनर है, ये वर्टिकल फ्रिज है, उसके ऊपर इन्होंने उसको माउंटेड कर दिया, जो पूरी यूनिट होती है पावर की, पूरी यूनिट जिसमें आपका कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है, तो इसको ये ऊपर लगा रहे हैं। फिर ये वाला यूनिट किससे कनेक्टेड रहता है, कूलिंग वाले कंपार्टमेंट से कनेक्टेड रहता है। बेसिकली नीचे वाले कंपार्टमेंट है, इनमें क्या होता है कूलिंग परफॉर्म होती है, जैसे दूध है, दही है, तो उस तरह की चीज़ों कूलिंग करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये जाली इसी लगाते हैं जिससे एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन रहे, बाकी यूनिट क्या हो जाती है क्लोज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लेयर बनना है, और ये बेसिकली जो इवोपरेटर वाली लाइन है उस इवोपरेटर वाली लाइन को कैपिलरी ट्यूब से पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने ये पढ़ा होगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर से जो लिक्विड वाली लाइन आती है वो कहाँ से कनेक्ट होती है, कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब फिर कहाँ पर कनेक्ट होती है, इवोपरेटर में कनेक्ट होती है। ये उसको कैपिलरी ट्यूब को उसमें क्लैंप किया जा रहा है।
ये दो कैपिलरी ट्यूब के सिरे हैं, उनको यहाँ पे इसमें ब्रेजिंग कर देंगे। देख आप सीख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। एक बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और लेंथ की वजह से क्या होता है, इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है, और इसमें सबसे पहले आप कंप्रेसर में ये वाली गैस फिल करेंगे, जिससे आपका नाइट्रोजन पूरे जो, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, कुछ नहीं होता तो एयर होता है, और एयर में ऑब्वियसली क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। और अभी वैसे भी ठंडी का सीजन है, तो जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए पहले आपने नाइट्रोजन को पूरे उसमें सर्कुलेट कर दिया, पूरी लाइन में, जिससे आपका जो मॉइस्चर होगा वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये अभी उसको ब्रेज किया जा रहा है। जो आपका कैपिलरी ट्यूब है एवोपरेटर से कनेक्ट की थी, उसकी ब्रेजिंग की जा रही है। ब्रेजिंग आप समझते होंगे, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, ये जनरली ब्रेजिंग कॉपर का जो ट्यूब्स वगैरह जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में ब्रेजिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्रेजिंग के लिए इस तरह की जो स्मॉल बॉटल भी यूज़ करते हैं, प्लस इसके अलावा LPG का जो सिलेंडर होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं ब्रेजिंग में। और कॉपर पर ब्रेजिंग करते हैं तो उसमें फिलर मटेरियल भी क्या यूज़ करते हैं, आप कॉपर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ब्रेजिंग देख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइन कनेक्ट हो रही हैं। एक तो आपका जो कंडेंसर से लाइन आ रही है, वो लाइन किससे, कैपिलरी ट्यूब से एवोपरेटर में कनेक्ट हो रही। दूसरी जो लाइन एवोपरेटर से बाद में रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा है, वो लाइन बेसिकली कहाँ पे कनेक्टेड होगी, वो कंप्रेसर से कनेक्टेड होगी। तो ये कैपिलरी वाली इधर कनेक्टेड होगी, और इससे पहले इन्होंने जो कंप्रेसर वाली लाइन थी उसको कनेक्ट किया था। ये कैपिलरी वाली आप देख रहे हैं, दो ट्यूब्स हैं, उनको इसमें इंसर्ट किया गया है ट्यूब में। और ये कंडेंसर एवोपरेटर, ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। कंडेंसर में बेसिकली क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है, एवोपरेटर में हीट अब्जॉर्व होती है। तो जहाँ पे ठंडे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ पे क्या लगा होता है, एवोपरेटर लगा होता है। जैसे फ्रिज में ऊपर टॉप हिस्सा होता है, उसमें एवोपरेटर होता है, वहाँ पे कूलिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझते हैं मैकेनिकल, या आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ा होगा, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी आपको। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं हम। और अब ये देखो, अब इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी फिलिंग की जा रही है पूरी लाइन में, जिससे आपका कोई भी मॉइस्चर ना रहे। ये उसको रेगुलेट करना है, मतलब रेगुलेटर है, जितना आप खोलोगे उतना ही उसमें जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे भी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये लाइन को डैमेज कर सकता है। हाँ, अभी ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ड्राई रहती होगी ना नाइट्रोजन, तो इसमें तो कुछ नहीं। तो आपने सुना किस तरह से ये चेक करते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा प्रैक्टिकली किस तरह से चेक किया जाता है। अब इसमें जो लाइन जो खुली हुई है, इस लाइन में बेसिकली जो आपका ड्रायर है उसको लगाया जाएगा, ड्रायर फिल्टर। और ये बेसिकली आपका जो डस्ट, मतलब रेफ्रिजरेंट जो इम्प्यूरिटीज वगैरह होते हैं उनको होल्ड कर लेता है, या इसमें मॉइस्चर होती है तो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर सिलिका जेल का बॉल, उस तरह की चीज़ें रहती हैं, सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है। ये कुछ लाइन बड़ी थी, तो ये कटर कहलाते हैं, ये टूल होते हैं, कटर होता है, फ्लेयर होता है, जो कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं। ये कनेक्ट कर दिया आपने ड्रायर को,
अब कनेक्ट करने के बाद फिर आपको वही ब्रेजिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी जॉइंट्स बनते हैं उन सब में जुड़ने के लिए आपको ब्रेजिंग परफॉर्म करना पड़ता है। ब्रेजिंग चल रहा है, इसमें फ्लेम को रेगुलेट करने के लिए ऊपर इसमें रेगुलेटर लगा रहता है, इससे आप फ्लेम की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों तरफ से ब्रेजिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बीच में आपने जोड़ा है। बाकी आपको ये सब इसमें पता ही होगा, कंप्रेसर, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो कंप्रेसर कहलाता है, और उस तरफ है ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करते हैं, जिसमें फैन लगा रहता है, और कॉपर की हम ट्यूबिंग यूज़ करते हैं। कॉपर की ट्यूबिंग का आपको लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, इससे आसानी से हीट क्या हो सकती है, रिमूव की जा सकती है, तो इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका थर्मल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे बेसिकली। हाँ, अब इसमें नाइट्रोजन हम दोबारा से फिलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम नाइट्रोजन फिलिंग कर रहे हैं पूरी लाइन में, वो इसलिए फिल कर रहे हैं, आप एक हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन इसमें फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद पूरे सिस्टम को हम करीब 20-25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और 20-25 मिनट के छोड़ देते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं कि जैसे हमने 140 प्रेशर पर उसको फिल किया, ठीक है, तो 20-25 मिनट बाद ये प्रेशर रिड्यूस होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं से लीकेज है, तो फिर उस लीकेज को रेक्टिफाई किया जाता है, उस लीकेज को रिमूव किया जाता है, सही किया जाता है, ठीक है। यदि प्रेशर उतना का उतना ही है तो इसका मतलब पूरी लाइन सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करते हो, नाइट्रोजन को रिमूव करते हो, नाइट्रोजन को इवैक्यूएट करते हो, नाइट्रोजन को इवैक्यूएट करने के बाद इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो गैस होती है, उस गैस को इसमें फिलिंग की जाती है, जो फ्रियोन आप यूज़ करते हैं गैस। तो अभी देख रहे हो आप, मैंने इसमें गेज में दिखाया हुआ है, ये प्रेशर गेज है, 140 तक ये फिल करेंगे, जैसे जैसे फिल करते जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और आपने देखा होगा जब गैस फिल करते हैं तो ये प्रेशर गेज ज़रूर लगा होता है, क्योंकि आपको प्रेशर ठीक होना ज़रूरी है, कम प्रेशर होगा तब भी फ्लो होने में दिक्कत होगी, ज़्यादा प्रेशर होगा तो जो ट्यूब्स है उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए प्रेशर आपका एक्यूरेट होना ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, जो भी आपका डिज़ायर्ड सिस्टम, जिस भी प्रेशर पर डिज़ायर्ड होता है उतना प्रेशर होना चाहिए। तो लाइन आपको समझ में आ गई, कंडेंसर से जो लाइन आ रही है, और आपको ये भी चीज़ समझ में आती होगी कि आपका कंप्रेसर से हाई प्रेशराइज्ड गैस होती है वो कहाँ जाती है, कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है, तो वो गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज होने के बाद वो स्ट्रेनर या फिल्टर के थ्रू कैपिलरी ट्यूब में जाती है, कैपिलरी ट्यूब में उसका प्रेशर टेम्परेचर और कम होता है, और उसके बाद वो गैस कहाँ जाती है, एवोपरेटर में जाती है, जहाँ पर आपका हीट अब्जॉर्ब होती है, जिस भी मटेरियल को ठंडा करना होता है उसकी वो हीट को अब्जॉर्ब करता है, और जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में एंटर किया था एवेपोरेटर वो गैस में चेंज हो जाता है, और गैस दोबारा से आपका कहाँ पर जाती है, कंप्रेसर में जाती है, तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है। ये बेसिकली यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की है, थ्योरी वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी लेक्चर में कवर करा चुका हूँ, तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं।